मॉर्निंग स्टूडेंट, आज पीडीएस में आपको बताने वाले हैं क्लास में आप बस लेसन नंबर 4 इसका आज टॉपिक है सेटिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ना। आपने देखा है पेड़ों की पत्तियां किसी सीजन में झड़ जाती हैं, यानी कि पेड़ों से अलग हो जाती हैं। कौन सा सीजन में आता है जब से बोलते हैं ऑटम, ऑटम सीजन जिसे कहते हैं पतझड़ ऋतु। कभी कभी ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वो पत्तियां सूख जाती हैं। अब हम जानेंगे कि पत्तियां अगर गिरेंगी तो हमें उनका क्या करना है। हमें उनको एक कंपोस्ट पिट बनाना है, उनके लिए थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, उन पत्तियों को उसमें इकट्ठा करना है। ये पत्तियां धीरे धीरे गल जाएंगी और मिट्टी में मिल जाएंगी और एक खाद बन जाएगा जो पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। उससे पौधे न्यूट्रिशन पाते हैं और उनके लिए अच्छा होता है। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। बहुत से लोग उन पत्तियों को जला देते हैं, जलाने से हमारा वायु प्रदूषित होता है क्योंकि बहुत ढेर सारी धुआं गैसेस निकलती हैं, विषैली गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें उनको इकट्ठा करना है, एक खाद का निर्माण करना है। अब हम जानते हैं कि पेड़ पौधों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा क्यों पड़ती है। पेड़ पौधों से हमें पेड़ पौधे तो हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ह्यूमंस भी और एनिमल्स जो जानवर हैं, पशु पक्षियाँ हैं और मानव जाति हैं, वे पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम वो गैस पौधों को देते हैं और पौधे इसके बदले हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। वे हमें बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे ये चक्र चलता रहता है, इसलिए पेड़ पौधों का मानव जाति पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम जानते हैं पेड़ पौधों से हमें बहुत लाभ है और कौन से लाभ है। कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं पेड़ पौधे, क्या क्या चीज़ें देते हैं हमें, उस कहते हैं लकड़ी, लकड़ियों से आप बेंच बनते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बनती हैं, टी चाय पत्ती का भी एक प्लांट होता है जो असम में होता है, दार्जिलिंग में होता है, पत्तियों से ही चाय पत्ती बनाई जाती है जो इससे चाय बनती है। घर में मेडिसिन दवाइयाँ बनती हैं, नीम का पौधा ले लीजिए या तुलसी का पौधा ले लीजिए, उसकी पत्तियाँ खांसी जैसे कफ हो जाता है सर्दी खांसी में तुलसी का कुछ भाग काला बना के पीजिए। नीम की पत्तियाँ हैं वो कीटाणुओं को भगाएंगी, जैसे उसकी पत्ती को पानी में डाल के उसे बॉयल करके उसे नहाएंगे धोएंगे, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो सीजनल प्लांट्स हो जाते हैं, इनसे दवाइयाँ बनती हैं, जितनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसमें पत्ती उसके बनते हैं। ऑयल्स, तेल, तेल भी पेड़ पौधों से मिलता है, सरसों का तेल आप घर में यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए, सूर्यमुखी का तेल है, सूर्यमुखी का फूल देखा है आपने, उस पेड़ पौधों से सूर्यमुखी का तेल मिलेगा। मूंगफली का तेल जो घर में यूज किया जाता है, ये कई तेल हैं जो हमें इससे मिला पौधों से मिला। कॉटन, कुछ कपड़े हमारे जो बनते हैं सूती कपड़े बनते हैं इस प्लांट से होते हैं, कॉटन प्लांट से होते हैं। फ्रूट्स, फल आप वहाँ से लिए पौधों से मिलते हैं, आम का पेड़ देखा होगा, सेब का, संतरे का, ये सारे फ्रूट्स हमें इससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल, सब्जियाँ, जितनी प्रकार की सब्जियाँ हैं आप जो जो यूज करते हैं अपने घर में, जो जो हम खाते हैं ये सारे सबके प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट से उनसे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। प्लांट हमारे जीवन में बहुत उपयोगी स्थान है, बहुत उच्च स्थान है। प्लांट से हमें प्लांट में हमें बहुत क्या क्या सामान आपको प्लांट्स आपको क्या क्या देते हैं आपने इस चैप्टर में जाना, और इन पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरियाली अपने आस पास हरियाली रखना चाहिए। हरे हरे पेड़ पौधों से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सकेगा, और जो
यदि कोई पेड़ सूख भी जाता है तो उसकी जगह हमें एक नया पौधा लगाना चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम रोड के किनारे लगाते हैं, जैसे कदम का पेड़ है। ये क्या करता है कि जो अंग्रेजी हानिकारक गैसें निकलती हैं वो उन्हें अवशोषित कर लेता है। तो ऐसे आपने जाना कि इस पौधों से हमें रक्षा करनी चाहिए और एक कंपोस्ट पिट का निर्माण करना चाहिए। पत्तियों को हमें जलाना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें आप सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड नाइस डे।